और दोस्तों, क्या हाल चाल, सब मस्त है? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो वही मेली वाली वीडियो एडिट किया, उसके बाद फिर इधर जल्दी जल्दी काम किया। 12:30 फिर भी बज गए, टेम्पो को सीधा कर रहे हैं अभी। देखो सीधा ना मैं शुरू से इसलिए नहीं रखता क्योंकि देखो यहाँ से घर से सामान लाया और यहाँ पर रख दिया, और ये बात भी है कि धोता हूँ ना तो इसका छेदा देखो सबसे पहले यहाँ पर है, तो पूरा पानी इसमें निकलने के चक्कर में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता कि बस 1 मिनट का काम है यार। आओ आ जाओ आ जाओ, सीधा करो और खींचे, एक बार थोड़ा सा और खींचना पड़ेगा। 12:30 बज ही गए हैं और आज बाजार है यहाँ का। ये रस्सी बांध देता हूँ, ठीक निकल जाएगा ना, शाबाश निकल जाएगा। तो अभी रस्सी में इसे बांध देता हूँ, बाकी तो सब सामान हो ही गया है, कर ही दिया हूँ। और कल ना दोस्तों मैं मेले में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो अब सोच रहा हूँ आज तो नहीं गया, अब कल नौमी है, कल लास्ट दिन रहेगा, कल जाऊँगा और आसपास के बाज़ार वगैरह भी करा करूँगा कभी कभी। जैसे रविवार को ना यहाँ मार्केट में भीड़ नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। संडे को तो संडे को यहाँ पे एक बस दे ही है, वहाँ बाज़ार लगता है, वहाँ जाके कभी ट्राई करेंगे फिर वहाँ का एक्सपीरियंस भाई मेरा कैसा रहता है, क्या रहता है वो देखेंगे। अभी तो सब सामान सर्फ रखा हुआ नहीं, घड़ी सर्फ फिर वही कम पड़ जाता है कभी कभी। घड़ी ये टंकी भी यहाँ रख देता हूँ, कहाँ है चाबी, रंग है रंग। तो अभी मैं ले जाता हूँ टेम्पो को डायरेक्ट वहीं, और वहीं मिलता हूँ क्योंकि देर हो गया यार, 12:30 बज गया है। और अभी मैं कैमरा सेट करूँगा, गोप्रो लगाऊंगा, एक तरफ उधर डालूंगा एंगल वाला, तो सबको टाइट करना पड़ता है धीरे धीरे, तो मैं लेट हो गया आज, मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी टेम्पो लेके आ गया हूँ सरदार जी की गाड़ी। सरदार जी प्रणाम, अब यह घूम रहे हैं बस 2 मिनट। अच्छा खाएंगे कहाँ, आई घूम के आई 2 मिनट में। सरदार जी की गाड़ी हटा रहे हैं फटाफट, तो फटाक से सेट करता हूँ। 1 बज गया, आने में जो टाइम तो बच गया है लेकिन सेट करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना लगता है। लेकिन भाई अगर ठेला ढकेल के लाता तो बहुत टाइम लगता, लेकिन ढकेल के नहीं लाया हूँ तो वही टाइम बच गया है। तो अभी ना थोड़ा सा सोच रहा हूँ झाड़ू लगा लूँ, लेकिन वही इतना धूल है यहाँ पे, झाड़ू लगाऊंगा ना तो पूरा उड़ेगा। टैक्सी वाले भैया लोग फिर बोलेंगे ए फुल्की वाले क्या कर रहे हो। इसीलिए सरदार जी पानी छिड़क दिया हो ना, पानी छिड़क दिया, हम पास झाड़ू लगा रहा हूँ ना, धूल आएगा तो क्षमा चाहता हूँ थोड़ा मोड़ा। ₹10 चेन दे दीजिएगा, बोनी बट्टा का टाइम, धन्यवाद। तो दोस्तों आज ना इतनी गर्मी है कि डबल मोड़ के मतलब साफ़ी को मोड़ के ऊपर से डाल दिया हूँ, सामने लगाता हूँ तो जल्दी सूख जाता है हवा से ना, और अंदर लगाता हूँ तो जल्दी सूखता नहीं है, सामने लगा देता हूँ तो ये जो पन्नी है ये दिखती भी नहीं है, और अंदर से लगा देता हूँ तो ये दिखती भी है ठीक ठाक। पानी डाल दूँगा तो कांच थोड़ा ठंडा हो जाएगा आराम से, पानी सामने में भी पीने वाला ना। बिल्डिंग करवा दी हम इसको, तो अभी साहू जी के लिए टिकिया बना रहा हूँ, टिकिया वाला फुल्की ना पहली बार खा रहा है। अभी कुछ कस्टमर लोग आए थे टिकिया वाला फुल्की खाए, तो साहू जी बोलते स्पेशल है का, मतलब स्पेशल तो नहीं है लेकिन मैं अपने हिसाब से बना खवा रहा हूँ। जैसे मैं टिकिया खाता हूँ ना तो थोड़ा सा हैदराबादी नहीं, हैदराबादी बिरयानी होता है। 20 रुपये ना, नहीं यार अलग से, अलग से कराओ ना हैदराबादी टिकिया चाट, अलग रहेगा नाम, तो इससे क्या होगा ना कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अरे यार नया है मार्केट में क्या? तो नाम चेंज करिए, उसमें थोड़ा सा वैरायटी एक आध दो अलग से डालिए। ठीक है भैया, सब चल रहा है बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे। मैंने अभी मैं कस्टमर को खिलाया तो डाइट टिकिया भर के खिलाया था, क्या हो गया नमक कम पड़ गया तो बोला कि स्पेशल है, मतलब स्पेशल बनाता हूँ अपने हिसाब से। पनीर ले गया पनीर, तुम लोग पूरा कपड़ा में भर लो। मिर्ची रहेगा साहू जी, मिर्ची हाँ मिक्सचर तो डालूंगा भाई, नहीं डालना है नहीं। अरे यार काम आ जाएगा यार, इसका रेटिंग देना ना कितना में से कितना स्टार, ये मेरी पसंद का है।
ये लो मसाला तो है, देखने में ना खाने में भी लगेगा। मसाला वही बना के लाया था घर से ना, तो वही अभी निकाल दिया था क्योंकि ना ऊपर तक बना दी थी मम्मी। अब मैं सोच रहा हूँ कि सामान तो बचा हुआ है, भाई को फ़ोन कर देता हूँ कि घर में आलू वगैरह मसाला वगैरह ना बनवाए, क्योंकि मटर इतना सारा बचा हुआ है और आज बाज़ार भी है, मतलब बिक्री इधर नहीं है तो उधर भी नहीं होगा। अब उधर जाऊँगा टेम्पू लेके। कितने रेटिंग, 5 में से 6 मतलब उधर जाऊंगा ना अपने भाई के पास, तो वहीं सोच रहा हूँ कि सामान वगैरह मतलब जो मटर वगैरह उसको दे दूंगा ताकि वो एक्स्ट्रा मसाला उधर ना बनवाए। फुल्की खाएंगे, आइए 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 आइए, बहुत देर बाद ग्राहक आए हैं, जल्दी आइए। बैठा था यार 1 घंटा से यार, आओ भैया लाइन में लगो। डालो मिर्ची, हो गया भैया 1 घंटा। तो चने वाले चाचा भी आ चुके हैं और वही इतना मटर बचा हुआ है, कुछ कुछ खिला दिया मैं भी यहीं पे। अब निकलता हूँ मैं, चाबी मेरा कहाँ गया यार। तो ये मैं आ गया हूँ और यहीं पे टेम्पू लगा दिया हूँ, ये रहा मेरे पापा का ठेला। अब ये मटर बचा हुआ है मैं उसको दे दूँ, निकाल लेगा थोड़ा मटर। लो बेचो थोड़ी मोड़ी टिक्की बची है, पकड़ो। मसालों ना बनवाओ घर है, मैं पहले ही मना कर दिया था कि मसाला मत बनवाएंगे। और ये टिक्की भी है देखो, ये भी टिक्की रखा है, सेक लेना। और अगर टिक्की जब खत्म ना भाई ना तो क्या करो, मसाले में खवा दियो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मसाला मिक्स कर लेना, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका भी सामान बचा हुआ है, आज बाजार है, इससे भीड़ रहता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन अभी एकदम भीड़ नहीं है। फुल्की है कि नहीं है, फुल्की दे मैं कहाँ, घर में है फुल्की बोल रहा है, मेरे पास भी रखा हुआ है नीचे टेम्पू के नीचे दबा के रखा हूँ मैं। और यहाँ पे अभी चाट बना रहा है ये, और ये देखिए ये जो लोकेशन है ना, आप यहीं पे दुकान लगाता है मेरा भाई, और मैं ना पहले से लेकर 5वीं तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। मतलब मैंने ना पहले और व्लॉग में भी बताया है, ये देखो जो अंदर में स्कूल है ना, ये वाला भैया था रोड सूरजपुर, पहले से लेकर 5वीं तक है ये स्कूल। और पहले ये इतना सुंदर नहीं हुआ करता था, अभी मस्त बन गया देखो, 1 नंबर। आज बाज़ार है, इसके पास भीड़ नहीं है, बता रहा हूँ नवरात्रि के चक्कर में, आज 8वीं है, सारे लोग मंदिर वगैरह इधर गए होंगे पूरा। एक तो चाट हम लोग बना दियो ना, एक चाट मैं भी खा लेता हूँ, भूख लगी है बहुत तेज, खा लूँ ना, वरना चौपाटी तरफ से जाता ना तो चौपाटी में जाके कुछ खाता। मेरा मटर मिला के और इसका मटर मिला के देखो, इतना सारा मटर हो गया यहाँ पे। तो मीठा मीठी चटनी डाल दियो ना, पापड़ी पापड़ी, हाँ पापड़ी और मीठी चटनी सब। अब इतना सारा चाट बना दिया है ये, हाँ है ना, मीठी चटनी ले आके दे, मीठी चटनी में इसके पास कम पड़ गई है तो वही ला के देना है। लो मीठी चटनी, अगर ये सामान इसके पास मीठा चटनी कम नहीं पड़ता ना तो घर हम लोग का यहीं पास ही में है तो यहीं से ले आता। क्या खाएंगे, चाट बना दे चक्कू से साफ। मेरे भाई का तवा ना थोड़ा सा छोटा है मेरे से देखो, लेकिन आदत हो गई है इसकी। प्लेट कहाँ, प्लेट नहीं, प्लेट नहीं है यार, इतना बड़ा पूरा दोना भर दिया है। खा लूँ ना, हाँ एकदम बिल्कुल खा लूँ। 500 रुपये क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्म है, दे दे रहा हूँ, ये खा रहे हो ना उसका पेमेंट कर दे रहा हूँ। सुनो ना थोड़ा चाट खा लेना ना, पूरा ही खा लेता। नहीं नहीं पूरा नहीं, आधा मैं खा लेता हूँ, आधा तक खा लेना। अरे हम जल्दी में हमको दे दो, वो चीज़ दे देना, लेबर मन को देना है 10-50 जो मिले। अब 10 नहीं मिले, अच्छा लो आधा खा लो। ये कौन सा 500 को मैं चेंज देता हूँ ना, अरे ज़्यादा हो गया चार्ट मेरे पास, आ रहा हूँ दे रहा हूँ चेंज। एक प्लेट ले लिया हूँ, इसी में चाट का दोना रख के जल्दी में, हाँ जल्दी में एकदम जल्दी चाट खा लूँ पहले की। 500 रुपये हो गया पूरा है ना, ठीक ठीक, ये पैसा को पैकेट में रखो, चाट खा जाओ फटाक से एकदम। कहाँ गया चाट मेरा, थोड़ा सा प्याज और डाल लेता हूँ। तो अभी ना मेरे भाई के पास फुल्की भी ख़त्म हो गई, तो वो घर से मंगवा रहे थे यहीं पे जहाँ पे पास में घर है ना, तो मैं ही दे देता हूँ वही आधी पन्नी, एक पन्नी जो बची हुई है, एक पन्नी वाली नहीं इसको दे देता हूँ, पता नहीं इतनी भी बेच पाएगा कि नहीं, ये इतनी सारी है।
इतनी हो जाएगी क्यों ले मैं और है क्यों ले मैं उसको भी मंगा रहा है वो। अब इतना ना मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, अब इतना वो बेच पाएगा नहीं बेच पाएगा। तो भाई ठेले में भी थोड़ी मोड़ी भीड़ लग गई है, चाट बनाना है का? चाट नहीं खा पाए अभी तक आप? नहीं चाट नहीं खाया हूँ, पैसा खा रहा हूँ। पैसा खा रहे हैं? ये देखो ये ना अपनी गैस को बंद नहीं करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जलने दे देता है, बंद नहीं करा थो काय? जैसे ही आओ ग्राहक, मतलब ग्राहक आया तुरंत गर्म नहीं करना पड़ेगा। इसका तावा थोड़ा सा मोटा है देखो मेरे से, है ना, ये देखो, और मेरा काफ़ी पतला है। अब वो वाला पनीर तो इसे ख़त्म हो गया है, वही जो ऊपर मैं दो पनीर रखा हूँ वही निकलेगा। अब ख़त्म हो जाए पूरी? हैं नहीं ख़त्म होगा, ये वाला तो शायद ख़त्म हो जाना चाहिए। चलता हूँ मैं भी घर, नहीं तो अभी तक तो मैं भी घर पहुँच जाता। मतलब मैं बता रहा हूँ इसकी भी दुकान मतलब अभी एक घंटे के बाद समाप्त हो जाएगी, इसी चक्कर में ये लाइट वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी लाइट ज़रूर लगी हुई है। चाट बना रहा है फिलहाल ये। तो चलो बाबूलाल बेचो और मैं चलता हूँ घर। अब तो अभी ना मैं बाजार जा रहा था और वही धनिया पत्ती ले रहे हैं विकास भैया, एक किलो मैं भी ले लेता हूँ, है ना? ले लीजिए भैया, एक किलो दे दीजिएगा। पनीर दे दीजिएगा मेरे लिए अभी। क्या करेंगे आप, हम लोग तो चाट फुल्की वाले हैं। ले लीजिए 30 रुपये ना, 30 रुपये लीजिए एक किलो। तो सिक्का दीजिए और दूँ? 30, 40, 50, 60 हुआ ना, 60, 70, 80 हुआ भैया। अब उधर हूँ 20 रुपये, रुकिए 80, 90, 10 उधर हूँ, फिर 100 का नोट दीजिएगा एक ठो। ले लीजिए 30 रुपये काटिए इसमें, 30 रुपये किलो धनिया पत्ती सही मिल जा रहा है वैसे बाजार में। 10 रुपये दे रहा हूँ और ना आप डालिए, अभी नहीं हुआ है। हो गया, आप एकदम अंदाज सही रहता है इनका। अभी ना दाढ़ी को ट्रिम करवा लिया हूँ, थोड़ा सा सेट करवा लूँगा, उसके बाद हम कैसे सोच रहा हूँ बाल भी कटवा लूँ। बाल ज़्यादा बड़े हैं तो नहीं, लेकिन लगते हैं भाई गर्मी आ गई तो। बाल भी काट देंगे, शेविंग तो हो गया है तो योगेश सामने खड़ा हुआ है, अब बाल कटवा लेता हूँ, जल्दी जल्दी काट दीजिएगा ना भैया। तो योगेश लेट तो नहीं हो गया? लेट तो नहीं हो गया, इतना फास्ट फास्ट काटा भाई अगला। अब बहुत दिन बाद समय मिला, करवा लिए। लो भैया पैसा कितना हो गया, 90 रुपये ना? 20 मिनट लगा होगा मुश्किल से। चलता हूँ बाजार जाना है, बाजार से प्याज वगैरह लेना है, उसके बाद घर चलते हैं। ये देखो गुरुजी भी यहाँ घूम रहे हैं मस्त। अरे पैर पहुँच रहा है कि नहीं, कहाँ घूम रहा है? अरे गया था एक दोस्त को छोड़ने बिछड़ा के। अच्छा उसी की गाड़ी है ये? राजीव का यार। तो कहाँ गाड़ी रखेंगे इसको? घर में रखेंगे। घर में रखेंगे, हाँ चलिए घर चलते हैं अब। तो चलिए दोस्तों इस लोग को यहीं पेंट करते हैं और जल्दी सो जाऊँगा, तभी तो जल्दी उठूँगा, 10:30-11 तो बज गए हैं। और सुबह उठ के भाई सुबह तो मंदिर जाऊँगा, देखते हैं कितने बजे। कल नवमी रहेगी ना, तो सोच रहा हूँ कल हो जाऊँ, मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, नवमी का भीड़ होती कि नहीं होती है। सप्तमी को तो मान लो चलो ठीक ठाक 1600-1700 की बेच लिया था, और इस बार कितने की बेचता हूँ देखते हैं। जल्दी जाने की कोशिश करूँगा, 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँ, ये कोशिश रहेगी मेरी, देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। और एक बात बोलना बोल गया था आप सभी को, 30,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मेरे को देनी चाहिए कि मेरे को आपको देनी चाहिए? कोई बात नहीं, सब बराबर है, ठीक है।